नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के बड़े तालाब पर 75 बोर्ड पर तिरंगा यात्रा निकाली। शनिवार को सारंग 75 किलोमीटर की बाइक रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत थी। लगभग 2 घंटे तक चली इस अनूठी तिरंगा यात्रा का समापन बोट क्लब पर हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने भारत माता के नारे लगाते हुए यात्रा का स्वागत किया। हमने 75 किलोमीटर की बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके बाद आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। रोड पर 75 बाइक के बाद जल में 75 नावों पर तिरंगा लहरा रहे हैं। इसके साथ ही आकाश में ड्रोन के माध्यम से तिरंगा लहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा लहरा रहा है। भोपाल से संवाददाता उमेर खान की रिपोर्ट। सड़क मार्ग पर तिरंगा यात्रा की थी, हजारों की संख्या में 10,000 बाइक थी उसमें, और आज हम 75 नाव के साथ आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम सब हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें, उसके जन जागरण के लिए लगातार हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये देश की सबसे बड़ी जल में तिरंगा यात्रा होगी, और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जल, तल और नभ, जल में 75 बाइक, 75 नाव, जल में 75 बाइक, थल पर और ड्रोन के माध्यम से आसमान में तिरंगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि तीनों झंडे एक साथ लहराएं, जल में भी, तल में भी और नभ में भी, और उस संकल्प के साथ कि पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा जाए। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।